नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। हरी झंडी दिखा डीएम ने टीकाकरण अभियान वाहन को रवाना किया। गाजीपुर नगर के मोहनपुरवा स्थित पशु अस्पताल पर मंगलवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और भाजपा प्रदेश मंत्री संगठन राम तेज पांडे ने राष्ट्रीय पशु योजना के अंतर्गत खुरपका रोग नियंत्रण के लिए पशुओं में चलने वाले टीकाकरण अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पशुओं में होने वाली खुरपका मुहपका रोग के नियंत्रण के लिए 18 अगस्त से प्रदेश में 28 जनपदों में एक साथ टीकाकरण अभियान चलेगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण ग्रामों का टीकाकरण संपन्न कराएगी। जनपद में अभियान का सकुशल संचालन क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9839355574 है। इस मौके पर सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर बी एन सिंह, संयुक्त निदेशक वाराणसी डॉक्टर टी एस दुबे, डिप्टी सीबीओ डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, डॉक्टर पी एन सिंह, डॉक्टर ए एस सिंह, डॉक्टर दिलीप यादव, डॉक्टर डी पी यादव, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर सचिन सिंह, डॉक्टर हरिवंश सिंह, डॉक्टर शरद वर्मा, डॉक्टर राम प्रवेश यादव आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर के नंदगंज थाना पुलिस को सोमवार को देर शाम बड़ी सफलता मिली। उसने 15,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। मालूम हो कि थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को सोमवार की देर शाम करीब 5:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के तलवल बॉर्डर पर एक इनामिया खड़ा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक सुरेश कुमार मौर्य, कांस्टेबल अजय गुप्ता, कांस्टेबल कासिम सिद्दीकी, कांस्टेबल जय कुमार और कांस्टेबल सुबरन यादव शामिल थे। शहीद दिवस के अवसर पर शहीद पार्क मोहम्मदाबाद में 18 अगस्त 1942 को देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अष्ट शहीदों को मंगलवार को शहीद पार्क मोहम्मदाबाद में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ शहीद स्मृति भवन पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने ध्वजारोहण कर किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में शहीद पुत्र जितेंद्र नाथ घोष, पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील राम, कांग्रेस के प्रदेश सचिव रविकांत राय, पूर्व जिलाध्यक्ष मार्कंडेय सिंह, लल्लन राय, अवध किशोर राय, भाजपा नेता वीरेंद्र राय, शशांक यादव, जिला पंचायत सदस्य फेकू सिंह यादव गांधी आदि प्रमुख रहे। अंत में आयोजन समिति के संयोजक आनंद राय ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के देवकली ब्लॉक मोड़ के पास सोमवार की देर रात अज्ञात वाहन के टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के तराव गांव निवासी शशिकांत राम उम्र 35 की पुत्री अंकिता की सोमवार की रात में तबीयत खराब हो गई। शशिकांत और चाचा रामलाल राम उम्र 50 के साथ पुत्री को बाइक से लेकर पियरी से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान करीब 10 बजे देवकली ब्लॉक मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सैदपुर अस्पताल लाते समय रास्ते में ही शशिकांत की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक शशिकांत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में मंगलवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय, बड़ी बाग कार्यालय, नंदगंज उपकेंद्र, सैदपुर डिवीजन, दिलदारनगर उपखंड कार्यालय, जमनिया डिवीजन, मोहम्मदाबाद उपखंड कार्यालय, कासिमाबाद उपकेंद्र, दुल्लापुर उपकेंद्र और अंधो उपकेंद्र पर कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक एवं सह संयोजक आशीष चौहान ने कहा कि यदि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को संसद में पारित कराने और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की एक तरफा कोशिश हुई तो सीधी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।